उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने थे। हमारा ब्याह होने वाला था, चार फेरे भी हो गए थे। वो मेरे मंगेतर है, आपने उन्हें कहीं देखा है? नहीं देखा। आपने मेरे रणधीर को कहीं देखा है? रणधीर! अमृत! दिमाग पे इतना जोर मत दे। पूरे 13 दिन बाद उठी है तू। 2 दिन में आपसे निकाह करके आपके ऊपर जिंदगी भर के लिए अपनी मोहर लगा देंगे हम। ये निशान जिंदगी भर तुझे तेरी औकात याद दिलाता रहेगा। तेरा दिल? जिस हादसे में तुम बेहोश हुई थी ना, उस हादसे को आज 13 दिन हो गए। हम अभी इकबाल जी के घर पर हैं। बहुत चंगे इंसान है, हमारी बहुत मदद की थी उन्होंने। उन्होंने ही तुम्हें बचाया, तो यहाँ पे पूरी तरह महफूज है अमृत। बिल्कुल डर मत। राधा चाची, ये ऐसे कपड़े क्यों पहने आपने? मेरे चाचा जी कहाँ हैं? ये सब कैसे हुआ चाची? अमरू, अमरू, तू ठीक? ओए रब दा लाख लाख शुक्र है, ओए तू उठ गई। ओए हम तो घबरा गए थे। अब तो आपका सारा डर खत्म हो गया है ना? ये देख तेरा भतीजा कबीर, वो अजी भी लेंगी, वो अजी भी लेंगी। दिक, 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 दिक। पकड़ो पकड़ो, ये लो। ये तो मेरी जान है अपराध भाई जान। कबीर, मैंने पता था हमारे रब का दिल इतना कठोर नहीं है, वो हमारे कबीर को कुछ नहीं होने देंगे। रणधीर का है? हाँ, कहाँ है रणधीर? आप सब लोग बता क्यों नहीं रहे, कहाँ है रणधीर? Thank you.
वहीं रुको। मैंने आपसे वादा किया था कि इस तस्वीर को मैं जरूर पूरा करूंगा और मैं जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पिछले 13 दिन से इसी काम में लगा हुआ, जब से होश में आया बस इसी को इकट्ठा करके इसको बनाने की कोशिश करने में लगा हुआ। तुम्हारे लिए कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है मैंने पता नहीं था। इसे लाए कहां से? ओम निवास और बेक मंजिल दोनों घरों के चावल इस कटोरी में कैसे घुल मिल गए हैं? क्या बात है, खुश की तो मेरी लाडो। चल आज मेरी जेब में जो कुछ भी है ना सब कुछ तेरा। उसे हम कभी भुला नहीं पाएंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना ही होगा और इस वक्त ये सोचना होगा कि हम बॉर्डर कैसे पार करेंगे। न जाने इकबाल चाचा ने हमें यहां इतने दिनों से छुपा के कैसे रखा। सही कह रहे होते, अगर किसी को भी जरा सी भनक लग गई कि इकबाल चाचा ने हम सबको यहां पना दी है तो वो और उनका पूरा परिवार मुसीबत में आ सकता है। उठे कितने अभागे हैं हम, एक आखिरी बार चाचा जी को देख तक नहीं पाए और ये घर जिसमें मैं पैदा हुई, मैंने अपना बचपन गुजारा, वो आज मेरी आंखों के सामने, मैं उनका मलबा देख रही हूँ। बड़ा गुमान था बाबूजी को अपनी हवेली पर, अपनी शान अपनी विरासत कह के बुलाते थे वो उसे, पर क्या पता था उनकी विरासत इतनी जल्दी मिट्टी में मिल जाएगी। बंटवारा करने वालों को ये पता ही नहीं है कि उन्होंने दोनों तरफ रहने वाले लोगों से क्या क्या छीना है। तो है ही बंजर, कभी किसी घर या जगह से कोई लगाव नहीं हुआ, पर जब
मैनू यहां से जाने में इतनी तकलीफ हो रही है। तो तुम्हारे जैसे लोग जो उछड़ के दोबारा बसने जा रहे, हमारे दिल पे क्या बीत रही होनी है। पापी जी और बाबू जी के जज्बात अब समझ में आ रहे। उन्होंने यहाँ से दूर जाकर जीने की बजाय यहाँ मर जाना अच्छा समझा। मुझे माफ कर दो मुझे। मेरे ही वजह से फारूक जैसा हैवान तुम सबकी जिंदगी में आया और उसने तुम सबका जीना आराम कर दिया। मेरी वजह से हुआ सब कुछ। अरे ओ दीदी, अरे ओ दीदी, हाँ बहना, क्या कर रही हो तुम? मैं तो अपनी दोनों बेटियों को ढूंढ रही हूँ। बेटियों को? हाँ, खुशी और शांति कहीं ना वो खो गई है। तभी तो ये मर जानी और रो रही है इतना। तुम्हें भी संभाल के नहीं रखा होगा, वरना ऐसे कैसे खोती वो? क्या बोली तू? मैंने संभाल के नहीं रखा होगा? मैंने तो कभी नहीं खोना है दोनों को, समझी तू? सहज के रखना चाहिए था ना, जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आए ही, लेकिन उन्हें खो थोड़ी सकते। मैं लबर वो तेरी, मैं तुझे बताती हूँ। अरे बस बस, मिल गई है खुशी और शांति, कहीं नहीं खोई है। हाँ, हमारे लिए अभी तक जिन्होंने कुर्बानियां दी है, अगर हम उदास हो गए तो उनकी कुर्बानियां तो बेकार ही जानी है ना, है? हमें जीना भी सीखना होगा और खुश रहना भी। बिल्कुल सही कहा तुमने बचपन। अब हम सब हिंदुस्तान जाएंगे और वहां जाके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। पर हम वहां करेंगे क्या? हम तो किसी को भी नहीं जानते वहां, हमारा कुछ भी नहीं है। हम सब साथ है ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। और हम कभी हार नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही कहा होते, हम हार नहीं मानेंगे। वादा? आज दंगों में करीब 4,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और 1,500 से ज्यादा की मौत हुई। सरहद पे हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। हालात बेकाबू जरूर हैं, लेकिन आप में से किसी को ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी काफी रात हो गई है, अब आप सब थोड़ा आराम कर लें। उस गली के कोने में देखो, कोई बच के निकल ना पाए। या अल्लाह, वो लोग बस इस तरफ ना आ रहे हो? नहीं, भगवान की कृपा रही तो वो लोग वहीं से वहीं निकल जाएंगे, यहां कोई नहीं आएगा। तुम लोग चुप रहो, शांत रहो। अस्सलाम वालेकुम खान चाचा, सब खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। कोई पनाह में तो नहीं है ना तुम्हारी? बच्चे के रोने की आवाज सुनी हम लोगों ने। क्या बात कर रहे हैं चाचा, किसी और के घर से आ रही होगी आवाज, हम लोग तो बस सोने ही जा रहे थे। चलिए अल्लाह हाफिज। सुनो, न कोई बत्ती जलाएगा न कोई शोर मचाएगा। हाँ। सरहद का सफर लंबा नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर हो सकता है।
तो बेहतर ये होगा कि अभी आप सब लोग आराम करें। पर ऐसे माहौल में हम सरहद तक कैसे पहुंचेंगे? मैंने नहीं लगता ये लोग हमें बाहर भी जाने देंगे। अबरार सब ठीक है ना? देखो मेरी कराची में बड़े अफसरों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि दो दिन बाद तुम्हें मिलिट्री के ट्रक में बिठाकर बॉर्डर तक पहुंचा देंगे। शुक्रिया। रणधीर, अमृत, जरा यहां। जी। ये कुछ रुपए और गहने हैं। सरहद पार जाने के बाद तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी, उसमें ये काम आएंगे। नहीं चाचा जी, हम ये नहीं ले सकते। अच्छा, और अगर यही रुपए लाले तुम्हें दे रहा होता तो तब भी इनकार करती? नहीं कर पाती, और अब भी इनकार नहीं होगा मुझसे। अजीब बात है, कल मेरी दोनों बेटियां विदा हो रही हैं। फशमा के साथ बहुत गलत हुआ। अमृत, तुम उसे सबसे अच्छे तरीके से जानती हो, तुम बताओ मैं उसे क्या तोहफा दूं? मियां, बहन की सगाई आज, थोड़ा बहुत तो नाच गाना तो बनता है। ये रुको, मैं देख के आता हूं। अबू, अबू ढूंढो उन्हें, यहीं कहीं छुपे होंगे, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। तुम लोग काम करो, तुम सब अंदर छुप जाओ, अंदर छुप जाओ, सब अंदर छुप जाओ। इन्हें मैं देखता हूं। अबू नहीं नहीं अकार, हमें किसी भी तरह का झगड़ा नहीं चाहिए, तुम अंदर जाके छुप जाओ। एक मिनट, ये लेके जाओ। चल चल चल, ढूंढो इन सबको, यहीं कहीं छुपे होंगे। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हो या पे इनकी कोई... बात मत सुनो। वो रणधीर और लड़की मेरे फारूक को मारकर भाग गए, और लड़का उधे उसकी होने वाली बीवी को भगा कर ले गए। और इकबाल मियां, आप तो हमारे अपने हैं ना, गैरों को अपने घर में पनाह दे दी। सबको बाहर निकालो और एक एक को जिंदा जला दो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।